हैं खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अमेरिका ने पहली बार किसी दूसरे देश की सेना को घोषित किया आतंकी संगठन। IIT मद्रास देश का टॉप शैक्षणिक संस्थान, दिल्ली का हाउस बेस्ट कॉलेज। दरभंगा की सीट RJD के खाते में जाने के बाद कीर्ति आजाद को धनबाद से टिकट। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका ने पहली बार किसी दूसरे देश की सेना को घोषित आतंकी संगठन। अमेरिका ने ईरानी सेना रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है और ईरान ने भी जैसे को तैसा नीति के तहत अमेरिका की सेंट्रल कमांड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। यह पहली बार है जब अमेरिका ने किसी दूसरे देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया हो। बहरीन ने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया है। IIT मद्रास देश का टॉप शैक्षणिक संस्थान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को 2019 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें IIT मद्रास ने ओवरऑल शीर्ष रैंकिंग हासिल की। इसके अलावा IIM बैंगलोर ने मैनेजमेंट संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं JNU लगातार दूसरे साल विश्वविद्यालय की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज चुना गया है। दरभंगा की सीट RJD के खाते में जाने के बाद कीर्ति आजाद को धनबाद से टिकट। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने सोमवार को झारखंड की दो सीटों धनबाद व खूंटी से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए दरभंगा से सांसद रहे कीर्ति आजाद को धनबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवारी बनाया गया है। दरअसल बिहार में महागठबंधन के तहत दरभंगा सीट RJD को मिली है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।